अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की, अयोध्या राम मंदिर सिक्योरिटी टाइटन। वाह क्या बात है जी, राम मंदिर के बारे में आज मेजर साहब भी बोलने वाले हैं। मिलकर देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024 आपको पता ही है, पूरे भारतवर्ष के जिसको कहते हैं ना कि हुज़ हू, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे, सारे बड़े नाम, ये तो आपको पता है। आपने ये भी सुना होगा कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेरर अटैक हैं, ये जो आतंकवादी हमले हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, और ये समझने के लिए हमें चलना होगा मुंबई। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए, 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। दोस्तों, 257 लोग मारे गए और हजारों घायल। ये ब्लास्ट करे किसने, ये ब्लास्ट हुए कैसे, किस हथियार का इस्तेमाल हुआ, 257 लोग, इससे बड़ा टेरर का वाकया भारत में नहीं हुआ। दोस्तों, ये करवाया था मुंबई अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम कासकर ने। इसको करने के बाद वो भाग गया पाकिस्तान, पहले दुबई, दुबई से पाकिस्तान। और दोस्तों, यहां पे कई किलो आरडीएक्स लाया गया था भारत के अंदर, कई किलो, लोग कहते हैं हजार किलो, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी कोई 600 किलो कहता है, कोई 700 किलो कहता है, काफी क्वांटिटी में आरडीएक्स भारत में आया। आरडीएक्स तो 500 ग्राम बहुत घातक होता है, आधा किलो बहुत घातक होता है, यहां पे कितने 100 किलो आरडीएक्स भारत के अंदर आया, 12 जगह लगाया उन्होंने और हर जगह ब्लास्ट करा, 257 लोग मारे गए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं करा क्यों ये ब्लास्ट, ये हुआ क्यों, क्योंकि 1992 में 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो कार सेवक गए वहां पे, कार सेवक पहुंचे श्री अयोध्या, और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि साहब ये जो पूरा मामला है ना, ढांचा, ये जो लोग कहते हैं विवादित ढांचा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें विवाद क्या है। मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया जिसको तोड़ा गया, अब उसके ऊपर मंदिर, इसमें विवाद क्या है मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। कई लोग हैं जो कह रहे हैं विवादित, इट्स नॉट विवादित, विवाद कोई है ही नहीं, विवाद सब झूठा था, सब फ्रॉड, 400 BC कोई विवाद नहीं है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। अच्छा, इसके पहले कि मैं वापस आऊं ये टेरर वाले मामले पे ना, कि आतंकवादी मामला, ये मैं इस पे आऊंगा अभी, और मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, मैं आपको डिटेल डेटा बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार कई लोग कहते हैं इसमें, और कई लोगों ने बोला कि प्रूफ क्या है इसमें कि प्रभु श्री राम यहां पे पैदा हुए थे। यार बात प्रूफ की नहीं है, बात सबूत की नहीं है। कुछ हिंदू वो प्रूफ ढूंढने लगे, ओ भाई इसमें प्रूफ का मामला है ही नहीं है, प्रूफ का मामला है ही नहीं, ये आस्था का मामला है। पहले बात समझिए आप लोग, कई लोग आपसे पूछेंगे, खासतौर से वामपंथियों को बहुत ही कीड़ा है, प्रूफ क्या है इसका, सबूत क्या है, सबूत नहीं होता, ये आस्था वाली बातें होती हैं। किसी भी धर्म का कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, उसका क्या प्रूफ है, आप बताइए क्या प्रूफ है। और हम सब मजहबों की इज्जत करते हैं, सब बड़े बड़े जितने भी मजहब के लोग हैं, चाहे क्रिश्चियंस में जीसस क्राइस्ट हो
या मुसलमानों में प्रॉफिट मोहम्मद हो, ये काबिल एहतराम है, लेकिन प्रूफ इनमें किसी का भी नहीं है। किसका बर्थ प्रूफ क्या मतलब है? आज की तारीख में कोर्ट के सामने जाएंगे प्रूफ तो क्या प्रूफ होता है कि श्रीराम यहीं पर पैदा हुए थे? ओ भाई, अगर 100 करोड़ हिंदू मानते हैं यहां पर पैदा हुए तो हुए थे, कहानी खत्म हो गई। किसका प्रूफ है बताओ? कौन से ऐसे बड़े जो मुकद्दस शख्स है उसका प्रूफ है कि यहीं पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय म्यूनिसिपलिटी होती थी जो बर्थ सर्टिफिकेट देती थी, कोई वीडियो है, कोई फैमिली फोटोग्राफ है, क्या है? किसी का भी नहीं होता। बस यही एक हम ही बदनसीब लोग हैं, अपना मंदिर लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता। और आपने देखा हाया सोफिया का क्या करा अर्दोगान ने? गलत था, मैं फिर कह रहा हूं हम लोग सही थे, वो अर्दोगान की हरकतें छिछोरी थी। हाया सोफिया एक चर्च था, बाद में लाइब्रेरी बना दिया, पहले चर्च था उसको मस्जिद बनाया, फिर लाइब्रेरी बना। ये आया अर्दोगान, इसने बोला अच्छा कल से यह मस्जिद होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, दुनिया ने कुछ बोला? दुनिया ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करें हिंदुओं की तो सब फिर ढोल नगाड़े बीच गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1993 के दंगे हुए, सिर्फ उसी में लोगों की जानें गईं। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए गोधरा का आपने नाम सुना है, साबरमती एक्सप्रेस, जहां पे कार सेवकों को जिंदा जला दिया था, या फिर वो फायरिंग जो पुलिस ने करी थी कार सेवकों के ऊपर, कहते हैं कि सरयू नदी का पानी खून से लाल हो गया था, इतनी लाशें गिरी, आज तक पता नहीं लगा वो लोग कहां गए। दोस्तों, बहुत जतन, बहुत मेहनत, बहुत बलिदान, बहुत खून खराबा, बहुत श्रद्धा भाव से मंदिर बनाए। क्यों लोग चाहते हैं मंदिर बने? ये बात नहीं है कि मस्जिद था, पहले मंदिर था, फिर मस्जिद, बात वो नहीं है। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को कि लोग क्यों इतने भावुक हो जाते हैं नाम सुनकर अयोध्या का, क्या कारण है? पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड, विदेश में रह रहे हैं, NRIs, आप उनको श्री अयोध्या का नाम लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा है ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों एक इंसान मरने के लिए, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है? कभी सोचिएगा कि कारण क्या है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूं, लोग ये कहते हैं माँ बाप को छोड़ कर जा रहा हूं, मुझे वहां पर राम का मंदिर बनाना है, चाहे मैं मर जाऊं इस कार्य में। अगर मैं मर गया तो मैं अपने जीवन को और अपनी मौत को धन्य समझूंगा। ये भावना कहां से आई लोगों में, इसके बारे में सोचिए जरा। दोस्तों, फिर सबूत की जो बात करते हैं ना, तो सबके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पे उनके जो महापुरुष हैं उनका सबूत वहीं पे है। जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है, हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने ही कितने पन्ने भर दिए, आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे, आपको सारा सबूत मिल जाएगा। अब जब खुद की बारी आती है तो ये कहते हैं हमारी मुकद्दस किताब में, हमारी जो होली बुक है उसमें ये लिखा है। हमसे मांग रहे हैं हजारों साल पुराने प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था उसका सबूत आज की कोर्ट में मांग रहे हैं कि क्या DNA है और क्या कार्बन डेटिंग है। ऐसे होता है? हमारा भी सबूत उसी किताब में जहां पे आपका सबूत है, कहानी खत्म हो गई यार। बन रहा है मंदिर वहां पे और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, और जिसके बाप को जो उखाड़ना उखाड़ ले। ठीक, अब आते हैं आतंकवादियों पर। दोस्तों, अलकायदा और लश्कर ए तैयबा ने यह धमकी दी है कि वो कोई बड़ा एक्शन करेंगे श्री अयोध्या पर, ये इसी साल की धमकी है। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, जो कि एक आतंकवादी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आतंकवादी है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था, ये इस्लामिक स्टेट का था, दाइश का, उसकी तरफ से भी धमकी आई है, इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी आई है कि ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, हर जगह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी कि नहीं, हमें अयोध्या में बहुत बड़ा कोई कांड करना है। और जब ये मोहम्मद शाहनवाज की चाबी लगाई ना, तब इसने गाना गाया बिल्कुल जैसा कोयल गाती है, इसने पुलिस के सामने बिल्कुल कोयल जैसे गीत गाया, और उसने बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग आई थी, विदेश से मुझे बोला गया था कि तुम ये धमाका करो, ये अटैक करो, वो अटैक करो। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद टूटा था 1992 में, उसके बाद दंगे फसाद हुए पूरे देश में, आपको याद होगा। उसके बाद 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और अब तक लोग इसी फिराक में ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मौका कि कब जाके वहां पे अटैक करेंगे। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले किसी मंदिर पे अटैक नहीं हुआ। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम याद है आपको, गांधीनगर गुजरात, अक्षरधाम मंदिर 24 सितंबर 2002 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर अक्षरधाम मंदिर पे हमला करा था। वो बड़ा मशहूर NSG का ऑपरेशन है, जब ब्लैक कैट कमांडो गए थे और ठंडा करके सबको साफ करा था वहां पे।
तो मंदिरों पे हमला करना अगर आपको ये लगता है कि गजनवी और गौरी और बाबर ऐसे ही लोगों का काम था, नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद हमारे देश में और बाहर जो वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो बाबर ने करा था, वही काम कर रहे हैं जो गजनवी और गौरी ने करा था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 24 सितंबर 2002 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद ने जब अटैक करा था वहां पे, तो एक मन में ख्याल आया और आज के परिपेक्ष में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब श्री अयोध्या की बात है और इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बॉस ये नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है, यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। जो भी ये प्लान कर रहा है, जो सुन रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो भी सुन रहा है, वो पाकिस्तान में सुन रहा है, कहीं और सुन रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें गलत फहमी है कि वही पृथ्वीराज चौहान हमारे हीरो हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, हम पृथ्वीराज चौहान को पूजते हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं करेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो ये पहाड़ फेंकेगा, इस चीज का ध्यान रखना। वो ईंट का जवाब पत्थर सुना है, मैं कह रहा हूं तुम पत्थर फेंकोगे यहां से पहाड़ जाएगा सीधा, द रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। जितने भी लश्कर फश्कर जैश वैश ना, तुम जला के राख कर दिए जाओगे अगर तुमने देखा भी श्री अयोध्या की तरफ, याद रखना इस बात को। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में रहता है, उसने भी बोला है, वो भी चाहता है, वो लोगों को भड़का रहा है कि तुम पन्नू तुम रगड़ दिए जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हारा अंत बहुत दर्दनाक होगा। देखो, हंसी मजाक एक तरफ, ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ, मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊं, तुम्हारी टांग खींचूं, वो एक तरफ, श्री अयोध्या की तरफ देख भी मत लेना, इतना बड़ा बवाल होगा कि आग की लपटें न्यूयॉर्क पहुंचेंगी, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर नॉट सेफ। बाकी तुम करते रहो, जो तुम नाच गाना करते रहते हो अपना, जो तुम अपनी भांडगिरी करते हो, वो तुम करते रहो, तुम्हें वी ऑल्सो एंजॉय इट, हमें भी मजा आता है, लेकिन उधर कुछ देख भी मत लेना, ट्राई तो करना तुम्हारी औकात के बाहर है, देख भी मत लेना, क्योंकि फिर तुम एक बात सोचना, फिर तुम्हारे भागते भागते जमीन कम हो जाएगी, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे लोग हाथ धो के। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं पन्नू, अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं, ये पूरा जो टेररिज्म का मामला है ना, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी माइंडसेट। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह जगह हिंदुओं की है, क्योंकि सारे उसके नीचे, सबसे पहले उसके नीचे मंदिर की बेशुमार प्रूफ मिली, और दोस्तों जिसने एक्चुअली, लोग प्रूफ की बात करते हैं ना, जिसने सबूत निकाले थे वो भी एक मुसलमान था, भारत का टॉप आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद। वो सबसे पहले के मोहम्मद ने ही बताया था कि यहां मूर्तियां हैं, ये जिसको सो कॉल्ड विवादित ढांचा जो बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड विवादित, जो कि विवादित नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि था, है और रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड विवादित ढांचे के नीचे मूर्तियां थीं, वहां पे मंदिर था, ये सबसे पहले के मोहम्मद ने दुनिया को बताया। लोग चौंक गए, उनके ऊपर इल्जाम लगाए, मुस्लिम बॉडीज, जो मुस्लिम पार्टीज हैं, उन्होंने बोला कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपने कैसे, उन्होंने बोला मैंने सच बोला यार, मैंने कौन सा झूठ बोला है, सामने ये है मूर्तियां देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मेरे ऊपर उंगली उठाओ, ये सच है, सामने मूर्तियां पड़ी हैं। दोस्तों, आप चलते हैं पाकिस्तान, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और ये फैसला सुनाया कि एक्चुअली उसके नीचे मंदिर है, राइट, सारे सबूत देख के, और कई सालों केस चला यार, कई सालों केस चला, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है बौखला गया, पाकिस्तान के लीडर्स ने बोला कि ये बहुत गलत है, आप उसको देख लीजिए, अपने प्यारे डब्बू जी, ठीक है जी, फवाद चौधरी कहता है कि साहब दिस इज शेमफुल, डिसगस्टिंग, ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ऐसा फवाद चौधरी ने बोला। शहबाज शरीफ कहता है कि ये बड़ा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय की हत्या हो गई है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत का सेक्युलरिज्म एक ढोंग है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिसको फौज ने
अपॉइंट करा है, जैसे कि आप किसी जानवर को दो टुकड़े दे देते हैं खाने के लिए रोटी के, उस तरीके की वो औकात शहबाज शरीफ की। ये कहता है तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है, भारत का सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि हिंदू अपने छुरी से अपना ही गला काट ले तब हिंदू सेक्युलर हो जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं भैया, ऐसे ही करवा लो फिर, अगर यही करवाना है तो। सेक्युलरिज्म सुनिए, सेक्युलरिज्म का लोड सिर्फ हिंदुओं को नहीं उठाना है, सबको बराबर उठाना है। और भारत आज भी सेक्युलर कंट्री है, बट 22 तारीख को एक और चीज होने वाली है, और ये अंडरलाइन करंट है, आप समझिए इसको, ये अंडरलाइन करंट है जहां पे कि 100 करोड़ हिंदू अभी ये बोलने वाला है 22 तारीख को कि इस देश की सेक्युलरिज्म का लोड हम सिर्फ अकेले नहीं उठाएंगे, सबको उठाना है। मेन मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखेगी, दैट्स ऑफ कोर्स देयर। लेकिन ये आज के हिंदू ने बोल दिया कि बस अगर ये देश सेक्युलर होना है तो सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कि द मेजोरिटी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ही इसको सेक्युलर करेंगे, बाकी जिसको जो मन करना करे, अपनी खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज, ये नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बोला कि ये दिखाता है भारत के हिंदुओं की बिगटेड आइडियोलॉजी और ये बहुत गलत फैसला है। ये शाह महमूद कुरैशी के बयान है। और जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बहुत हल्ला कर रही थी इसके ऊपर कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कितनी डिबेट में बोला है इन्होंने, कितनी डिबेट्स में मेरे सामने टीवी डिबेट्स में ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर जब बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। ओ भाई साहब, आप क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया, कोई बुरा मान जाएगा क्या, सोच लो। अच्छा, इसके ऊपर रामचरितमानस में बहुत ही एक अच्छी बात कही है, आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि जो राम फैसला करेंगे, ये शिवजी कह रहे हैं, शिवजी कह रहे हैं कि जो राम चाहेंगे, जो उनके मन की इच्छा होगी, जो फैसला करेंगे वही होगा, तुम अपना जैसा जतन कर लो, कर लो, होना वही है जो राम चाहेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जितने भी ये पाकिस्तानी है ना जो बुरा भला कह रहे थे मंदिर को, ये इनका क्या हाल हुआ है, देखिए ना, आप प्रभु श्री राम को उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके साथ बुरा होगा, आपने देख लिया किस तरीके से पीट पीट के जानवर की तरह उसको ले जा रहे थे शाह महमूद कुरैशी को कल, राइट, आपने देखा, इसने भी बकवास करी थी। आपने डब्बू जी को देखा, पुलिस आई थी पकड़ने, डब्बू जी कैसे भाग रहे थे स्पीड से, डब्बू जी को मार मार के बिल्कुल दुम्बा बना दिया, राइट। शहबाज शरीफ कहाँ है, इमरान खान जेल में। ये सब लोग जिन्होंने भी बुरी चीज बोली है, ये सब के सब इनकी वाट लगी बुरी तरीके से, इट्स कॉल्ड कर्मा बेबी, इट्स कॉल्ड कर्मा। तो दोस्तों, जिस जिसको बुरा लग रहा था ना, कोई कह रहा था कि मेरी नानी ने कहा कि ये मेरे राम नहीं है, है? कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कोई त्रिपुंड लगा के घूम रहा है ना। आप सीताराम येचुरी की बात कर लीजिए, ब्रिंडा कारट की बात कर लीजिए, आप कपिल सिब्बल की, सब लोग ऐसे पीछे पड़े हैं कि क्या हो गया, किसी तरीके से, किसी तरीके से अपीजमेंट हो जाए, किसी तरीके से हम कन्विंस कर लें कि भाई हम आपके बड़े सगे हैं और आप, अच्छा ये चुनाव भी हार जाते हैं, ये शराब है मैं बता रहा हूँ। और आप देखिए, हिंदुस्तानी, ये सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी हैं, आपसे तो हज़ार गुना अच्छी वो है डुआ लिपा, किसी ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, पर जब मैंने पढ़ा, आई रेड इन द न्यूज़ कि डुआ लिपा शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, और वो आई है और कहती है, उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है, प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है यार, और इंडियन कल्चर है क्या, व्हाट इज़ इंडियन कल्चर, इट्स, अगर आप प्रभु श्री राम को आप अलग रखते हैं, इंडियन कल्चर में है क्या, और हमारा इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रभु श्री राम। वो विदेशी आके वो कहती है कि यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आप वो बीटल्स आते हैं यहाँ पे, आपका बिल गेट्स आता है यहाँ पे, मार्क जकरबर्ग आता है यहाँ पे, सब लोग कहते हैं कि यार वी आर सो इम्प्रेस्ड विथ इंडिया, हम इतना ज़्यादा, हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल शांति मिली है, हमें सब कुछ मिला है, एनलाइटनमेंट मिली है, लोग आ रहे हैं विदेश से, देश से, गाँव से, आपको बड़ी प्रॉब्लम है यार कि मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैम पेट्रोडा कह रहा है कि यार ये पूरा देश क्यों, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ बात जो मैंने कल बोली थी दोस्तों, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन,
हिंदू एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा धर्म है जिसके बाप दादाओं ने हर समय एक ही कहानी सुनाई कि बेटा हमारा वो मंदिर टूटा था और वो मंदिर टूटा था। हमने सिर्फ मंदिरों के टूटने की कहानियां सुनी हैं। ये खुशी इसलिए है क्योंकि पहली बार इतना भव्य मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है और तुम्हें वो भी हजम नहीं हो रहा। दोस्तों आज मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन शाम को जब आप घर में पूजा करेंगे ना तो आप एक दिया जरूर जलाइएगा, अलग से एक दिया। एक तो पूजा में जलता है, अलग से एक दिया और जलाइएगा। कई सौ साल के बाद रामलला घर आ रहे हैं। जय श्री राम। अब चलिए दोस्तों सवाल और जवाब की कार्रवाई शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था अयोध्या राम मंदिर का और उसके मेजर साहब हैं तो सिक्योरिटी की ही बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की तो निकलेगी नहीं उनकी जुबान से। चले खैर, हर किसी का अपना अपना होता है और बहुत ज़बरदस्त वीडियो था मेजर साहब का और कई हवालों से, कई चीज़ों पर और तारीखी चीज़ों पर भी उन्होंने पर्दा उठाया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो हम देखते हैं वो यही है कि राम मंदिर बन रहा है, बन नहीं रहा, बन गया है। अब उसका इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा, कई लोग आएंगे, कई लोग उस पर भी सियासत करेंगे, कई सारी चीज़ें, ये भी कई सारी चीज़ें मेजर साहब भी बोलते हैं, ये भी सियासी रंग ही होता है एक तरह का। लेकिन सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि जो चाहिए था वहाँ के लोगों के लिए वो हो गया, और वो क्या है कि वो राम मंदिर जो कि उनकी आस्था है, उनकी जो उम्मीद है कि जो कि उनके वेदों में भी लिखा है कि अयोध्या ही जन्मभूमि है राम जी की, तो उनके लिए वो चीज़ आज हिस्ट्री में हो चुकी है। और ये मुमकिन क्यों हुई है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो इक्तदार में आई है और पहले भी जो बीजेपी ही सरकार थी जिन्होंने ये मामला उठाया था और फिर विवाद हुआ। देखिए, मस्जिद को तोड़ना आम जो मुसलमान है कोई भी हो, हमें भी सुने यार फलां मस्जिद तोड़ दी गई तो दुख लगेगा, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं करा कि जैसे आया सोफिया एक चर्च है उसको मस्जिद में बदल दिया और एक फैसले में बदल दिया, सारी दुनिया में उस पर बात ही कोई नहीं हुई सिवाय हम यहाँ पे एक ऑर्डर इंडियन चैनल्स पे देखते हैं और उसके अलावा कहीं किसी पे बात नहीं हुई। और राम मंदिर बनाने के लिए कई सालों की कोर्ट कचहरियाँ, विवाद, दंगे, फसाद और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, फिर जाके ये चीज़ अमल में आई है। तो चीज़ें हैं कि जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बड़ी सारी गड़बड़ें की हुई है हिस्ट्री में। वो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हिस्ट्री लिखने वाला तो हिस्ट्री लिख गया ना, आज कोई सबूत ले सकता है ना तब कोई सबूत ले सकता है, लेकिन वो अपना काम कर गया जो उसने करना था, वो अच्छा कर गया या बुरा कर गया या क्या नहीं कर गया। तो चीज़ वही है कि अगर हम अपने दिल में सबके लिए बराबर जगह रखें, सब धर्मों की अगर हम इज्जत करें तो फिर विवाद कहीं भी नहीं होगा। जब हम इज्जत नहीं करेंगे सिर्फ खाली कहने से, खाली कह देंगे कि भाई हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं लेकिन अंदर खाते हैं उनको बुरा भला भी कही जाएंगे तो फिर ये चीज़ भी नहीं चलती। तो ये चीज़ मुसलमानों में तो इंतहाई हद तक पाई जाती है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं, खास करके मेजर टाइप के भी लोग होते हैं जो कि कहते ज़रूर हैं कि हम बाकी मज़ाहिब की बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन हकीकत में भी बीच बीच में वो ऐसी चीज़ें घुसेड़ते हैं। देखें, जो अमन का पैगाम देने वाला होगा चाहे वो कोई भी होगा वो अमन का ही पैगाम देगा और कहेगा कि आज भारत ताकतवर है, आज भारत की सिक्योरिटी को कोई हिला भी नहीं सकता, लेकिन वो दूसरों को दावत भी नहीं देगा, आजा जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि एक बंदा कहता था ले मुझे मार, मुझे मार, मुझे मार, तो उसने उसको मार दिया। तो कोर्ट में जब केस गया तो उसने कहा कि तुमने उसे क्यों मारा, उसने कहा भाई वो कह ही इतना रहा, कहेगा हाँ मुझे मार, मुझे मार, मुझे मार, तो फिर मुझे मजबूरन उसको मारना ही पड़ा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, राम मंदिर सबके लिए है, ये ना मेजर साहब आपके लिए और ना किसी एक फर्द वाहिद के लिए है, ये सबके लिए और सब वहाँ पे जाएंगे, सबके लिए वहाँ पे आ जाइए। आप देखें कांग्रेस पे बड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस वालों का भी है, वो सियासत उन्होंने अपनी कर ली, लेकिन क्या उनके मन में उनके इज्जत नहीं है? तो इस चीज़ पे आप उंगली मत उठाइए और हर किसी का ये जो अपना होता है
किसका कितना अकीदा है, कोई कितना किस हद तक मानता है, वो हर चीज तस्वीर के दो रुख होते हैं, कोई उस तरफ से देख रहा है। एक चीज देखें कि वो सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे भाई, मेजर साहब सिक्योरिटी पे बात ना भी करें भाई, वहाँ पे सारे मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पे होगी, कौन कौन सी सेलिब्रिटी वहाँ पे होगी जब उनका उद्घाटन होगा मंदिर का, तो सिक्योरिटी जारी बात है सिक्योरिटी टाइट होगी भाई, सिक्योरिटी वहाँ पे होगी, इतने इतने बड़े यानी कि प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे सारे वहाँ पे उनकी टीम पूरी वहाँ पे होगी, तो भाई वो वहाँ पे सिक्योरिटी तो जारी बात होगी, कहीं से खतरा हो या ना हो भाई सिक्योरिटी तो उन्हें देनी पड़ेगी ना, सिक्योरिटी उनके साथ होती है और वो सिक्योरिटी आर्मी होगी। ये आप ये कहें कि वो दाइश वालों ने उन्हें धमकी दी है या लश्कर तैयबा ने धमकी दी है, लश्कर तैयबा का सुन के अब तो हंसी आती है कि भाई आपने इतना बॉर्डर सिक्योर भी कर दिया, पता नहीं वो चूहे हैं जो नीचे से घुस के आ जाएंगे भाई। आज के दौर में तो लश्कर तैयबा मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो ये तो वैसे ही बड़े सालों से बैन हो गई थी, लश्कर तैयबा तो यहाँ पे है नहीं है। तो देखिए दाइश आज भी भारत में है, दाइश का गढ़ अफगानिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, तैयबा भी यहाँ से टूट फसूट के हो गए अफगानिस्तान में ही कहीं होगी, यहाँ पे यहाँ उनका कोई कुछ नहीं नजर नहीं आता बिल्कुल नहीं। और सिक्योरिटी जो है वो तो जाहिर बात है, आप मेजर साहब बात करें उस पे या ना करें, इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है, इतने बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होगी, सिक्योरिटी तो आप देखे हैं, और इतने बड़े इवेंट के ऊपर जो है ना, वो ऐसे जो तंजीमें हैं जिन्होंने चंदे इकट्ठे करने होते हैं तो वो ऐसे बयानात भी देते रहते हैं कि भाई उन्होंने भी इस चीज के ऊपर कमाई करनी होती है, अगर ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे। तो चीज ये है, अगर उसके बावजूद भी अगर वहां पे आकर ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने की, तो भाई कितना को बड़ा कर लेंगे, सिक्योरिटी आपकी है, हर चीज आपकी है, तो आप बजाय अवाम को मोटिवेट करने के आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, डर पैदा कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। देखिए हमेशा से सिक्योरिटी हर जगह पे, हमसे ज्यादा जो है ना डर किसी और मुल्क में नहीं है, जिस चीज में जिस तरह से जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जो हालात हमारे हैं, इससे ज्यादा भी बड़ा सिक्योरिटी का कोई फेलियर हो सकता है, तो उसमें भी हम सर्वाइवल कर रहे हैं। तो चीज ये है कि इन चीजों को आप छोड़ दिए, ये अब चीजें हम सुन सुन के अब हमारे कान पक चुके हैं, अब आप आवाम को मोटिवेट कीजिए जिस लेवल पे आप बैठे हैं, तो बजाय उसको डीमोटिवेट करने के या इन चीजों के ऊपर अपने जो है ना बात देने के बयान देने के, तो आप देखिए। हाँ ये भी आप कह सकते हैं भाई, जितने मर्जी आप सिक्योरिटी थ्रेट कर लो, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो आपको ना कुछ चैनल छपवा देंगे। तो चीज ये है, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, पता नहीं वो क्या बड़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, धमाके करेंगे, आम के ऊपर अटैक ही करना है उन्होंने, तो भाई इस चीज के ऊपर आप जो है ना वो थोड़ा सा हाथ नीचे रखा करें, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, आपके जो मिलियंस के में लोग जो है ना वो आपके व्यूवर्स हैं और आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो इन चीजों को मेजर साहब को देखना है, क्योंकि देखिए इन चीजों को देख के अब हम उसको लाइक करते हैं तो हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इदारे हैं उनको ये इतना ही निकम्मा समझते हैं कि कोई भी अरा गरा आए कोई और हमला कर देगा आगे, तो ये आप अपने ही इदारों को नीचा दिखा रहे होते हैं, इन चीजों को भी देखना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ तो ये है। अब देखिए वहां पे मंदिर बन गया है, उसके साथ मस्जिद भी बन रही है और उस इलाके में बहुत ज्यादा जो है ना विकास भी हो रहा है, तरक्याती और काम भी बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो वहां पे ये खुशाइन बात है और इस चीज के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। हाँ वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं जी, वहां पे ये हो रहा है वो आ रहा है, इससे खौफ और हरास फैलता है, इन चीजों को इग्नोर ही करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, और मैं तो कहता हूँ कि मोहब्बत की ही बात करनी चाहिए, प्यार की ही बात करनी चाहिए। अब ये जो चूरन है ना, इसको मेरे ख्याल छोड़ देना चाहिए, उसको अलकायदा और लश्कर कब तक ये चलता रहेगा, अब इसको कहीं ना कहीं तो बंद होना चाहिए। जो मुल्क अपने ही हालात में इस हद तक जूझ रहा है और वहीं से फिर लश्कर तैयबा और ऐसी अलकायदा को भी इधर ही ठोक दिया। चले जी खैर, हम तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो, एक बंदे को भी कोई नुकसान ना हो, अगर कहीं हो तो सीधी सी बात है, इल्जाम
ठोक देंगे मेजर साहब जैसे बंदे पाकिस्तान पे ही। अगर सर होता है तो ये आपके इदारों की फेलियर, और अंदर से ही अगर को लोग कर देते हैं तो फिर भी इल्जाम पाकिस्तान पे, अगर इधर से कुछ कर दे तो फिर भी जहां से भी होता है अंदर से हो बाहर से हो, देखिए पाकिस्तान में हो रहा है तो ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की फेलियर जो हमारे मुल्क में हो रहा है, वहां पे होता है तो फिर अब आप इल्जाम चाहे इंडिया पे लगाते रहे जिसे भी मर्जी लगाते रहे, अब हमारे घर में कहीं पे कमजोरी है, पूरा बलूचिस्तान जूझ रहा है तो उसमें हम कहते हैं कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, भारत की इन्वॉल्वमेंट है वहां, हमारी अपनी हालात खराब करने में, लेकिन हम तो इस चीज पे यकीन नहीं करते, और वहां के लोग कहते हैं कि भाई क्या सबूत है इसका, भारत की इन्वॉल्वमेंट है वहां बलूचिस्तान के हालात खराब करने में। तो ऐसा ही है हर जगह पे, बस किसी पे इल्जाम लगा देना बड़ा आसान होता है और उसके जो नतायज निकलते हैं ये नतायज वही हैं जो 1947 से लेकर आज तक दोनों देश भुगत रहे हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।